1975 ईस्वी में भारत सरकार ने बाल विकास परियोजना कार्यक्रम चलाई। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों में भूख और कुपोषण को दूर करना, मगर गुमला जिला बसिया प्रखंड पंचायत ईटम गांव ससिया के आंगनबाड़ी केंद्र में धात्री माताएं और बच्चों को सही समय पर पोषाहार नहीं मिल रहा है। और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाली सुविधा गर्भवती और धात्री लोगों को, तो क्या वो बराबर मिलता है? 2 माह से नहीं मिला है गर्भवती धात्री, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे उनको नहीं मिला है। 2 माह क्यों नहीं मिला है? ऊपर से ही नहीं आया होगा, मानदेय तो 11 माह से मिलते नहीं किया है, और पोषाहार का पैसा भी नहीं आया है। ऐसा ही उधारी कर करके हम लोग किसी प्रकार चला रहे हैं सेंटर। पोषाहार का पैसा कब से नहीं आया है? पोषाहार का पैसा भी 2017 का भी आधा नहीं मिला है, और 2018 का भी कितना नहीं मिला है। आज हम लोग अपना अधिकार का मांग करने के लिए आए हैं। हम लोगों को 1 साल हो जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को 2017 में हम लोग दिल्ली गए थे, उसमें सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा, आप लोगों का सब सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को अभी 1 साल में से में अभी 6 माह का हम लोगों का मानदेय बाकी है, वो सहाय राशि बाकी है। आवेदन आप आज किसको दिए? आज हम लोग उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपे हैं, जिला पदाधिकारी के द्वारा ऊपर तक हम लोग उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो हम लोगों को हर माह हम लोगों को मान दिया जाएगा, हम लोगों को परिवहन राशि दी जाएगी, और अनौपचारिक बच्चा के लिए 1 साल हो गया अभी तक हम लोगों को चावल नहीं मिला है। हम लोगों को प्रत्येक माह चावल मिलना चाहिए, तभी हम लोग बच्चा को अच्छी तरह से भरण पोषण हम लोग खिचड़ी खिला सकते हैं। अभी हम लोग सेविका लोग सब अपने खर्च करके हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं। इस समस्या से संबंधित अधिकारी प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिनका नाम है कुसुम डुकरिया और मोबाइल नंबर है 9546774005। अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि सही समय पर पोषाहार दिया जाए। मैं शांति, गुमला जिला झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।